वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंदयोगींद्रमथाशिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी, आत्मस्वरूप सभी संतजन भक्तजन, तस्य वाचकः प्रणवः। भगवान पर दृढ़ विश्वास हो, ईश्वर की कृपा हम सबको प्राप्त हो रही है, वो मेरे अपने हैं। हमारे जीवन के साथ ईश्वर का नित्य संबंध है। अगर हम एक बूंद हैं तो समुद्र हैं, हम व्यष्टि हैं तो वो समष्टि हैं। उनकी पूरी तरह से शरणागति भी अगर कोई ले लेता है साधक, पूर्ण शरणागति, तो भी मन शांत हो जाता है। मन की शांति का उपाय अभ्यास है, वैराग्य है और ईश्वर पर पूर्ण शरणागति। पूर्ण शरणागति सशर्त नहीं, एक हिस्सा नहीं, समर्पण पूरा का पूरा हो। ईश्वर का स्वरूप कैसा है तो सूत्र दिया, क्लेश कर्म विपाक आसही अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। हम ईश्वर उनको कहते हैं जिनके भीतर पंच क्लेश नहीं है, चतुर्विध कर्म नहीं है, कर्म फल के उपभोक्ता नहीं हैं और साथ ही साथ उनमें कभी किसी चीज़ का संस्कार लेश भी नहीं, वही पुरुष हैं। उन्हीं को हम परम पुरुष कहते हैं। जो उनकी शरण में जावे उसका उद्धार। उनके भीतर जो ज्ञान है वह परमेश्वर के भीतर ज्ञान, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। वो सर्वज्ञ हैं, एक एक छोटी छोटी हृदय की बात भी उनको
पता है, इसीलिए वो सर्वज्ञ हैं, क्योंकि सर्वव्यापक हैं। जो सर्वव्यापक हैं वो सर्वज्ञ भी हैं, और उनका जो सर्वज्ञत्व तो है वो निरतिशय है, उसकी कोई ऐसा नहीं कि जैसे हमारा जो ज्ञान है, हम जगे हुए हैं तो ज्ञान है, गहरी नींद में चले गए तो हमारा ज्ञान लुप्त हो गया, मूर्छित हो गए तो हमारा ज्ञान सो गया, बेहोश हो गए हमारा ज्ञान टूट गया, हाँ ऐसा ईश्वर का ज्ञान नहीं है। क्यों? बोले वह सा पूर्व शाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, ओ परमेश्वर सब के प्रथम हैं, वह सबके आचार्य हैं, उन्हीं से यह ज्ञान का प्रारंभ हुआ। पूर्व शाम अपि गुरु यानी उन्हीं परम पिता परमेश्वर से यह ज्ञान प्रारंभ हुआ। जैसे भगवान ने कहा ना गीता जी में कि इस ज्ञान को सबसे पहले मैंने ही दिया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यय, इस ज्ञान को सबसे पहले, वो ज्ञान स्वरूप हैं, उनके भीतर अविद्या का नामो निशान नहीं। कैसे? उसी प्रकार से जैसे सूर्य के अंदर अंधकार का नामो निशान नहीं, सूर्य के पास, सूर्य में न अंधकार पहले था ना अभी है और ना अंधकार आगे होगा, उसी प्रकार से उन परमेश्वर में, वहाँ पर उनके स्वरूप में अविद्या ना थी ना है और ना कभी होगी। जब सृष्टि बनी, वो ज्ञान स्वरूप है, सृष्टि बने तो सृष्टि में कोई ना कोई ऐसा पुरुष आया जो बंधन में फंस गया, क्लेश कर्म में, फिर वो अविद्याग्रस्त हो गया, अविद्याग्रस्त हो गया, वो गया प्रभु की शरण में, तो भगवान ने उसको ज्ञान प्रदान किया और इस प्रकार से यह ज्ञान की परंपरा चल पड़ी। बाद में समय आया, काल आया, परमेश्वर का ज्ञान, उनका जो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप हैं, वह काल से सीमित नहीं, काल के परे हैं। हम उन परमेश्वर का समझे कैसे? तो कहा तस्य वाचिका प्रणव, उन परमात्मा को अगर बताना है किसी को, एक आचार्य अपने शिष्य को बताना चाहे तो कैसे बता सकता है? तो एक सिद्धांत है कि एक होता है वाच्य और एक होता है वाचक, नामी और नाम। बड़ा कौन होता है, नामी कि नाम? हाँ, नाम, नाम बड़ा या नामी। मेज दो अक्षर का शब्द है, मेज में केवल दो अक्षर हैं, हाँ उसमें एक मात्रा भी जोड़ लो तो मा आधा हलंत ए धन जा, यही तो मेज, इतने तो हुआ, हाँ। और उस मेज शब्द से कितनी बड़ी चीज का हमको पता लगता है, हाँ इतनी बड़ी चीज का, तो नाम इतना सा, लेकिन जैसे हमने किसी को कहा मेज लाओ तो इतनी बड़ी मेज उठा करके ले आया। तो मेज है नामी, और जो हमने दो शब्द प्रयोग किया मेज, वह हुआ नाम जिससे हमने संबोधित किया। आप बढ़ाते जाओ इसको, हमने छोटे से शुरू किया, बढ़ाते जाओ, हाँ ढाई अक्षर तीन अक्षर की है संज्ञा हमारी पृथ्वी, पृथ्वी कितना, पृथ्वी कितना, ढाई तीन अक्षर का, कितना बड़ा है पृथ्वी। जैसे हमने कहा पृथ्वी से सब बना, तो पृथ्वी एक नाम है वाचक, और पृथ्वी शब्द कहते ही जितनी बड़ी वो गोल गोल सा दिखाया जो ग्लोब में, यह पूरा का पूरा आपका वो सब का सब बच्चे को समझ में आया, पृथ्वी यानी इतना। तो नाम इतना सा, नामी बहुत व्यापक होता है, हाँ नाम। अरे हमने एक नाम बोला आकाश, तीन अक्षर का नाम आकाश है, कितना बड़ा आकाश, समझ लिया किसी ने, हमने नाम प्रयोग किया आकाश, सामने वाले ने समझ लिया आकाश क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आकाश तो इतना विशाल है, इतना विशाल है जिसका और छोर किसी को भी पता नहीं। तो
एक है, जिससे हम बुलाते हैं उसको कहते हैं नाम, और जिसका संबोधन दे रहे हैं उसको कहते हैं नामी। ठीक है, वाचक और वाच्य। दूसरी बात समझना इसमें, जो यहाँ इतना समझना है कि जो नाम है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। हाँ, भाषा अलग अलग है, भाषा अलग अलग है। हमने नाम दे दिया मेज, और किसी दूसरे ने कह दिया टेबल। हाँ, हो सकता है वो तमिल भाषा में कोई और नाम हो, मलयालम में कोई और नाम हो। हाँ, कहाँ गए हो, घर वाले कहाँ गए, बच्चे ने कहा कनक काटने गए। कनक माने सोना भी होता है। कनक माने ही, अब पंजाब में कनक, हमारे यहाँ पर गेहूँ, हम लोग गेहूँ कहेंगे, और पंजाब में हो, हरियाणा में हो तो कहेंगे कनक। एक शब्द है, नाम बदल गया ना। घर में किसी बच्चे का चार नाम हो सकता है, तीन तीन नाम वाले बच्चों को तो मैंने देखा है। हाँ, स्कूल का नाम अलग, स्कूल के सर्टिफिकेट का नाम अलग। हाँ, घर में बुलाने का नाम अलग, और दोस्तों के बीच में कोई निकनेम बिल्कुल अलग। राशि नाम का तो बातें कर दो, चार हो जाओगेगा फिर। हाँ, राशि का नाम अलग। अब नाम में फर्क हो सकता है, नाम में बदलाव हो सकता है, लेकिन उस नाम से जो चीज हम बता रहे उसमें परिवर्तन क्या होगा? हमने पृथ्वी शब्द कहा, उस पृथ्वी शब्द से जो यह पृथ्वी हमको समझ में आई, अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे अमेरिका में हो। हाँ, पृथ्वी तो वही है ना, सब जगह केवल बदलेगा तो केवल नाम, नामी तो बदल रहा है। तो नाम में फर्क हो सकता है, लेकिन नामी तो ज्यों का त्यों होता है, जिसका वो नाम है। हाँ, जिसका वो नाम है वो। अब हमी को कोई कहेगा स्वामी जी, कोई कहेगा महाराज जी, हमको कोई स्वामी जी बोलते हैं, कोई महाराज जी बोलेगा, कोई हमसे जो बड़े श्रेष्ठ महापुरुष लोग हैं वो कहेंगे अभयानंद सुनो। कहीं कहीं पर कोई कहेगा वही सौनक जी हैं। अब मेरे कितने सारे नाम हुए। हाँ, हमारे कुछ ऐसे भगत हैं, ऐसे शिष्य हैं जो हमको कहते हैं बाबा जी सुनिए। अब बताओ मेरा नाम बाबा जी हो गया, बताओ। अब नाम कई हो गए ना, किसी ने कहा स्वामी जी, किसी ने कहा महाराज जी, लेकिन उससे जो ये शरीर है इतना बड़ा, इस वजन वाला, इस सकल सूरत वाला, वो शरीर तो ज्यों का त्यों है ना। नाम अलग अलग हुए लेकिन नामी एक है। ऐसे वह जो परमेश्वर का स्वरूप है वो ज्यों का त्यों है। अब कभी हमने कहा उनको भगवान, कभी हमने कहा ईश्वर, कभी हमने कहा परमात्मा, कभी हमने कहा परम पुरुष, और वेद भगवान ने उसी को नाम दिया। श्रुति ने कहा ओम प्रणव, ओम तस्य वाचकः प्रणवः, वो परमेश्वर का नाम है ओम प्रणव। ओम में देखो, ओम शब्द जो है ना, अब और समझिए। ओम चूंकि श्रुति में आया ओंकार, तो हमको कभी अपना अगर व्यवहार करना है तो जो मेरे श्रद्धे हैं, पूज्य हैं, कोई बहुत बड़े हैं, तो उनका नाम हम लोग नहीं लेते। हाँ, अपने बाबा जी का जल्दी नाम नहीं लेगा कोई, दादा जी का नाम नहीं लेगा, आचार्य गुरुदेव का नाम जल्दी लेना शोभा नहीं देता। आप में से अब कोई मुश्किल से ही कहेगा अभयानंद जी से, हाँ कम ही बोलेगा ना, कोई बोलेगा तो उससे अच्छा नहीं लगेगा किसी को। जो श्रद्धे होते हैं उनका नाम नहीं लिया जाता। तो उसी प्रकार से उसको कहते हैं पुकारने का नाम, वास्तविक नाम लेना। जो श्रद्धे हैं, आदरणीय हैं, उनका असली नाम लेना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो यह जो ओम है परमात्मा का वास्तविक नाम,
ईश्वर का वास्तविक नाम ओम है। बार बार व्यवहार में ओम बोलना अच्छा नहीं है। कभी आपका मुख शुद्ध है, कभी अशुद्ध है, कभी कुछ चाय पी रहे हो, खा पी रहे हो और बार बार ओम बोलो, ये श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है। कम से कम जैसे आप लोग जैसे हमारे यहाँ जैसे भोजन के समय कुछ पढ़ते हैं, तो भोजन के समय वेद का कोई ऋचा नहीं बोलना चाहिए, शायद नहीं बोलते। श्लोक पढ़ें, पुराण का है, पुराण का है, कहीं और का है, वेद की कोई ऋचा का वहाँ पर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा मुख अशुद्ध है। तो सब समय पर ओम का बोलना, उच्चारण करना अच्छा नहीं होता। तो अगर हमको व्यवहार में लाना है तो उसी ओम स्वरूप को, जो परमात्मा का, परमेश्वर का वास्तविक नाम है ओम, उसी को हमने कहा प्रणव। ये बोल चाल के लिए एक अलग नाम रख दिया, व्यवहार के लिए प्रणव। ओम का ही पुकारने का नाम हो गया, पर्यायवाची कह लो प्रणव। तस्य वाचकः प्रणवः। प्रा इसके कई अर्थ हैं, प्रकर्षेण नुयते ऐसा भी करते हैं, या फिर प्रा का थोड़ा साधुओं का अर्थ समझो, महापुरुषों का, उन्होंने ऐसा किया। प्रा माने प्रपंच, प्रा माने प्रपंच, प्रपंच माने पांच पांच के जितने जोड़े हैं। प्रणव है ना, प्रणव तीन अक्षर है, तो प्रा माने प्रपंच, पांच पांच का जितना जोड़ा है। कौन कौन सा? पांच महाभूत, पांच विषय, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच प्राण, सब पांच पांच के जोड़े हो गए। इनको मिला के कहा जाता है प्रपंच। तो प्रा माने प्रपंच, ना बीच में आया, ना निकल जावे, प्रपंच निकल गया, प्रपंच को हटा दिया तो ब्रह्म ही बचा, उसी को हम कहते हैं प्रणव। प्रणव प्रपंच जहाँ से निस्सारित हो गया, प्रपंच जहाँ से निकाल दिया, प्रपंच का बाध कर दिया, निषेध कर दिया, तो जो बचा वह ब्रह्म है, वही परमात्मा है, इसलिए हम उसको कहते हैं प्रणव। प्रणव तस्य वाचकः प्रणवः। उन परमात्मा का, उस ईश्वर का, पुरुष विशेष का एक संज्ञा है, नाम है प्रणव या ओंकार, ओम। आगे बढ़ूं? ठीक है, यहाँ इतना समझ लो, इतना काफ़ी है। उनका एक वास्तविक नाम है, इसीलिए जिस मंत्र में ओम नहीं लगता वो मंत्र बहुत बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर समादरणीय नहीं होता। एक मंत्र बस वही है जिसमें ओम नहीं लगा, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक कलिश अंतरणोपनिषद का मंत्र है और हमारी गौड़ी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको बहुत बहुत इसको विस्तार दिया। तो बाकी और ओम मंत्र में पहले लगेगा, ये परमेश्वर का नाम लेके करो, तस्य वाचकः प्रणवः। अच्छा ठीक है, अब हम बैठ करके, बिल्कुल बैठ गए, ठीक है, अब उस परम पुरुष का ध्यान करना है। कैसे? बोले जाप करूंगा। कौन सा जाप करोगे? ओम 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 प्रणव प्रणव प्रणव। बोले ना, ये सब सन्यासियों के लिए छोड़ दो, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सब नहीं कर सकते, एक काम सन्यासियों के लिए छोड़ दे। तुम क्या करो? बोले इस ओम के अर्थ का चिंतन करो, तद जपस तत् तदर्थ भावना। जप क्या है परमेश्वर के नाम का? जप क्या है? सुमिरन क्या है? सुमिरन क्या है? जप क्या है? बोले उसके नाम के अर्थ का चिंतन करना, यही उनका सुमिरन है। सुमिरन माने, सुमिरन माने कोई बोलना थोड़े, सुमिरन माने कोई बोलना नहीं होता, किसी की अनवरत याद चित्त में बनी रहे, यही सुमिरन है। बोलने की जरूरत थोड़े है, हमको आपको, जिससे आपका एक अपनापन है, प्रेम है, उसकी अनवरत चित्त में एक स्मृति चलती है, त
तस्य स्मृति तस्य दृढ़ैव निष्ठा, तस्य स्मृति उस परमेश्वर की स्मृति वही ही निष्ठा है। आपके चित्त में जिससे भी प्रेम है, भाई से, पत्नी से, पति से, मित्र से, सगे संबंधी से, उसकी एक स्मृति है। कोई उच्चारण नहीं करते हैं, आप उच्चारण नहीं कर रहे हो। एक माँ अगर अपने बच्चे का बार बार बोलती नहीं है, लेकिन उसकी स्मृति चित्त में बैठी हुई है, वह जो स्मृति है वही उसका सुमिरन है। समझना ध्यान से, हाँ, क्योंकि ये अब पंजाब में तो बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया, सेवा और सुमिरन, सेवा करो और सुमिरन करो। सुमिरन कितना? श्वास श्वास में सुमिरो, एक एक सुमिरन मतलब केवल वाणी से उच्चारण नहीं, नहीं तो मतलब तो वो निकल आएगा ना जो पहले कहा कि क्या, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माय, और मनवा तो चहुदिश फिरे, यह तो सुमिरन है। ये सुमिरन नहीं होगा, सुमिरन वो है, जप वो है कि उसके उस चिंतन में उसकी स्मृति आपके भीतर बनी रहे। तद जप, उसका जप, उस परमात्मा का जो जप है, प्रणव का जो जप है, यही है तदर्थ भावना। उससे आपका हृदय उस भावना से भावित रहे। ये जो एक अंग्रेज वाला जो परंपरा है इस्कान, इसका पूरा पूरा फुल फॉर्म बता सकते हो? इस्कान का, ISCON, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कॉन्शसनेस, देखा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा, इस्कान, ISC, इस्कान, ISKON, अच्छा 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 इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा, देखना पड़ेगा, हाँ ISC है शायद, KON, हाँ। तो इस कान का, अब उन्होंने कहा हिंदी में किया, श्री कृष्ण भावनामृत संघ, श्री कृष्ण भावनामृत संघ, ऐसा नाम दिया उन्होंने। तो उस भावना से भावित रहें, वो बहुत तो सटीक शब्द है। जैसे ओम, तो ओम हम मुंह से बोल दे में इतना नहीं, आपके भीतर उसका भाव बना रहे। ओम माने क्या? तुरी तत्व हूं, या विश्व नहीं, तेजस नहीं, प्राज्ञ नहीं, इसकी तीन मात्रा है आ उ और मां, वो तो विराट हिरणगर्भ और ईश्वर है, विराट और विश्व एक हैं, हिरण गर्भ और तेजस एक हैं, प्राज्ञ और ईश्वर एक हैं, वह तुरी तत्व, वह जो सबका मूल है, वह मैं हूँ। ये भाव बना रहे, इस भाव बने रहने का नाम ही है कि सुमिरन, इसका जाप। आप जिसकी, सीधा कहूँ, जिसकी याद बनी रहती है उसी का जाप कर रहे हो। सरल भाषा में जिसकी आपको घर बैठे भी याद रहती है, समझना उसी का आप जाप कर रहे हो, उसी का सुमिरन कर रहे हो। तस्य स्मृति तस्य दृढ़ैव निष्ठा। क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा? हाँ, अरे अच्छा, घर में रहते हुए अगर एक घंटे सत्संग की याद करो, स्वामी जी की याद करो, तो क्या होगा? उस जिस जितने समय तक घर पे रहते हुए घर नहीं आ पा, और फिर उसके बाद भी हम घर पे बैठे मन नहीं लगता, जिसका सत्संग से प्रेम होगा, जिसका परमात्मा से प्रेम है, उसके लिए फिर कह दिया जाए सत्संग में मत जाओ तो सजा जैसी लगती है। तो घर में बैठे बैठे भी चिंतन किसका करेगा? सत्संग का, स्वामी जी का। वो जितने समय उसका चिंतन बना रहता है, वो भाव बना रहता है, उतने समय उसकी साधना हो रही है, वो असली साधना, वो असली पूंजी है, असली कमाई है। और अनेक बार विरोधाभासी जीवन में ज्यादा याद आती है, हाँ, सब ठीक ठाक रहे तो याद कम आती है, ठीक ठाक रहे तो देखना, सब ठीक ठाक रहे याद कम आएगी, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ सड़बड़ सा हो जाए, जरा सा घर में जो है वैसे वैसे याद नहीं आती घर में। एक दिन बाप बेटे में लड़ाई हो जाए, फिर देखना, जिससे लड़ाई हो जाए उसकी उसका चिंतन,
अनवरत चलता है चित्तवृत्ति में, अनवरत चलेगा। हाँ, वो जो अब बोलते नहीं, आप शब्द नहीं प्रयोग करते, लेकिन स्मृति किसकी हो रही है? जिसके साथ में कोई न कोई प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हो रही, उसकी स्मृति, उसकी यादाश्त, यही अर्थ भावना है, तादार्थ भावना। उस भावना के साथ जीते रहो, वह मेरा स्वरूप है, वो परमात्मा मेरे अपने हैं। तद जपस तदर्थ भाव, बहुत बढ़िया सूत्र है। ये सब कम से कम इतना समझना, ये महात्मा लोग प्रवचन में बीच बीच में बोलते रहते, ये सब सूत्र जो है, भले वो ये नहीं कहते योग दर्शन पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी होगा आपके लिए प्रमाण वाक्य होगा कि जप माने क्या, जप माने क्या, तो आपके लिए ये सूत्र प्रमाण होगा, इप सूत्र प्रमाण होगा। तद जप तदर्थ भावना भावनम, उस परमेश्वर का जाप यानी दोहरौनी नहीं, वाणी से केवल दोहरौनी करते रहे पुनरावृत्ति, वो नहीं, आपका हृदय का तारतम्य कितना जुड़ा हुआ है, आपका हृदय उस परमेश्वर के भाव के साथ कितना आपका जुड़ा हुआ है, वही समझना वो जाप है, वही जाप है। तद जपस तदर्थ भावनम, अब इससे अगर ऐसी साधना होगी तो फल क्या होगा? अगर इस प्रकार से साधना करेगा भगवान के साथ जुड़ के, तो इसका फल क्या होगा? कहते हैं, इस सूत्र को फिर से पढ़ते हैं, ये ईश्वर के प्रसंग का ये अंतिम सूत्र है। तथा प्रत्यक्षेतन अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च तथा प्रत्यक्षेतनाधिगमो अपि अंतराय भावश्च ततः, ततः माने अब इस प्रकार से, इसके बाद, किसके बाद? जब आप परमेश्वर के नाम का सुमिरन करोगे तो, नाम का वो सुमिरन, नाम क्या? तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव का, ओंकार का, उनका जाप करोगे तो, जाप कैसे करोगे? बोले उसके शब्द के अर्थ का भावना करोगे, उसका चिंतन करोगे। चित्त वृत्ति उसी, हमारे चित्त का कोई आकार नहीं। हाँ, दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया मूसा सिक्तम, हमारा चित्त का कोई आकार नहीं। चित्त आपका बिल्कुल जल के जैसे है, जिस पात्र में डालते हो उसी पात्र के जैसे चित्त बन जाता है। लोटे में डाला, लोटे के जैसा जल के डालो, गिलास में डालो, गिलास के जैसे, घड़े में डाला, घड़े के जैसे। तो आपके चित्त में जिसकी याद आती है उसी का रूप बनता जाता है चित्त का। आपका जो चित्त है, अगर आपने कहा घोड़ा, उस समय घोड़े की आकृति के अनुसार चित्त बन गया, यही वृत्ति व्याप्ति होगी। आपने कहा हाथी, आपने कहा गाय, आपने कहा बछड़ा, आपने कहा देवता, आपने कहा रावण असुर, जैसा जैसा आपके भाव आया, आपका चित्त उसी उसी के आकार का बनता चला जाता है। अब उस चित्त में जो आकृति है, हमने किसकी छाप लगाई? ये ओंकार स्वरूप हैं, ये परमात्मा हैं, ये भगवान मेरे अपने हैं, इनका हमारा नित्य संबंध है, इनकी छाप लगा दी। हाँ, अब एक बार छाप लग गई, फिर देखो उसका परिणाम क्या होगा। प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, उसके बाद आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आप जान लोगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, ये सब का सब अपनी आत्मा का बोध हो जाएगा। आप क्या हो उसका बोध हो जाएगा। अभी जो हम समझते थे देहो हम शरीरमय हूँ, अभी हम समझते थे कि रागी द्वेषी हूँ, अभी हम समझते थे कि अच्छा बुरा हूँ, ये सब से हट करके अपने चेतन स्वरूप का, प्रत्यक्ष चेतना, अपनी चेतना का ज्ञान हो जाएगा। कैसे होगा? अब कभी थोड़ा बहुत गीता का ले आओ, कैसे होगा? हाँ, तेषाम सतत युक्तानाम भस्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयान्ते, ऐसे ना। फिर आगे
उनको बुद्धि योग देता हूँ, बुद्धि योग दे देता हूँ जो जो मेरा भजन करता रहता। सतत युक्ता नाम जे जो कोई साधक मेरा निरंतर सुमिरन करता है, अपना चित्त मुझसे लगाए रखता है, भजन मेरा करता रहता है, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम, भजन करता रहता, भजन माने वही सुमिरन करता रहता है, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। अच्छा बुद्धि योग दे दिए तो भगवान कहते हैं देखो अज्ञान तो ही भीतर बैठा है ना, अविद्या तो भीतर बैठी है, अगर भीतर अविद्या बैठी है और बाहर हम दीपक जलाएं तो बाहर के दीपक से बाहर का अंधकार दूर होगा, भीतर का थोड़े दूर होगा। जिस कमरे में आप दीपक जलाओगे उस कमरे का अंधकार दूर होगा, अन्यत्र किसी दूसरे कमरे का अंधकार थोड़े दूर होगा। तो अविद्या कहाँ है, अज्ञान भीतर है। तब भगवान कहते हैं ऐसे के भीतर मैं ही जाके ज्ञान की ज्योत जलाता। अगला श्लोक याद है, तेषां हेवानुकं पार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाशयामि आत्म भावस्थ दीपेन भास्वत। तुमको तो बहुत याद है श्लोक जो है ना, उसके बाद कहिए ना पूरा उसी है, दसवां अध्याय गीता जी का, दसवां अध्याय, हाँ दसवें अध्याय का ग्यारहवां श्लोक होगा, देख लेना जो सो। तेषाम एव अनु, उन पर अनुकंपा करने के लिए, उन पर करुणा करने के लिए, मैं उनके भीतर, सबके भीतर तो है ना परमेश्वर, उनके भीतर जो मैं हूँ, मैं उनके भीतर ज्ञान की ज्योत जला देता हूँ कृपा करके, ज्ञान दीपे। और जब ज्ञान की दीप प्रज्वलित हो जाता है तो भीतर से अविद्या आदि अंधकार सब दूर हो जाता है। मैं ऐसी करुणा करता हूँ तो प्रत्यक्ष चेतना अधिगमः, ये ईश्वर की कृपा से हो सकता है। यही यही सांख्य दर्शन से यही फर्क है यहाँ पे, ईश्वर की कृपा पर उसको साधन माना, उनकी कृपा से प्रत्यक्ष चेतना का बोध होगा। और दूसरा अगर वो कृपा करें तो अंतराय अभावश्च, देखो क्या है, ठीक है वैसे हैं तो नहीं, हैं तो नहीं, लेकिन आप लोग कह सकते हो इस शरीर का मालिक मैं हूँ, फिलहाल हो नहीं, हो नहीं, ये मिथ्या अभिमान भले कर लो, हाँ अपने शरीर का मालिक कोई है ही नहीं, और समझता है कि देखो इसको मैंने बांध रखा है रस्सी में, ये मेरी पशु है, गाय है कि भैंस है कि मेरा अपना है, बेटा है, पत्नी पति है, हाँ है अपना शरीर है। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, एक कमरा है मेरे पास में, मेरे पास में कहीं मैं गया रिश्तेदारी में, उन्होंने हमको कमरा दे दिया रहने के लिए, हमने कहा अब ये कमरा मेरा है, उस कमरे में मैं अपना बिस्तर लगा के आराम कर रहा हूँ। तो अगर मेरा कमरा है तो मेरे कमरे में कोई भी आएगा तो बिना मुझसे पूछे आएगा क्या, नियम तो नहीं है ना ये तरीका। तो आपके कमरे में कोई भी जाएगा तो घंटी बजाएगा, दरवाजा खटखटाएगा, पूछेगा कि आपके कमरे में आ सकते हैं या नहीं, बिना पूछे आपके कमरे में अगर कोई आता है तो समझना कि फिर वो असभ्य है, गंवार है, उसको पता नहीं ठीक ठाक, यही ना, मेरे कमरे में बिना मेरी आज्ञा के कोई नहीं आ सकता, एक कम से कम इतना। अच्छा हम ही आपके घर में आए और सीधे आपकी रसोई में घुस जाएं, हाँ एकाध बार तो चुपचाप सह लोगे, बाकी और दूसरा सहोगे नहीं, कोई नहीं सहता होता। महात्मा जी भी जाएं तो भले श्रद्धे हैं, ड्राइंग रूम में बैठिए, अभी आपकी आरती पूजा करते हैं, यही ना, किसी के घर में मेरा घर है तो उसमें मुझसे पूछे बगैर कोई। अगर ये शरीर मेरा है तो इस शरीर में कभी पूछा कि मैं बुखार हूँ आना चाहता हूँ, अच्छा मेरा नाम दर्द है आना चाहता हूँ तुम्हारे शरीर में आऊँ, पूछ के आया हो दर्द, बुखार पूछ के आया, रोग पूछ के आया, हाँ दुख पूछ के आया कि मैं तुम्हारे मन को विक्षिप्त करना चाहता हूँ, बताओ मूढ़ तो हो नहीं, क्षिप्त और विक्षिप्त,
मूड भी नहीं, मैंने एक दिन कहा था मूड भी नहीं हो, एकाग्र भी नहीं है, निरुद्ध तो साध्य है। हाँ, तो क्षिप्त और विक्षिप्त हूँ, बोलो मेरा नाम क्षिप्त है, आऊँ तुम्हारे भीतर तुम्हारे मन को क्षिप्त करूँ विक्षिप्त करूँ, कभी पूछता है? जो मेरा है उसमें बिना मेरी आज्ञा के किसी को प्रवेश नहीं होना चाहिए। हाँ, और इस शरीर में सब अपने आप आ जाता है, मुझसे कोई पूछता ही नहीं। हाँ, ना बीमारी, ना रोग, ना दर्द, ना विक्षेप, ना चिंता, कोई नहीं पूछता, जबरदस्ती घुसाता है, इसका मतलब ये शरीर हमारा है नहीं, है ना? अगर मेरा होता तो मेरा कहने के, मेरे आज्ञा के बगैर किसी को ना आता। नहीं समझ में आ रहा? बड़ा आसान सा है। हा? जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो बाहर की चीजों को मैं कैसा मानूं? घर मेरा, धन मेरा, हा? गाड़ी मेरी, बाल बच्चे मेरे, पत्नी पति मेरा, नाती पोते मेरे, हे महाराज कुछ मेरा नहीं है, क्या मेरा मेरा बना के मरते हैं जीव ये संसार में, तब ते जीव भयो संसारी, मरो। हाँ, कितना महात्मा छुड़ावे, क्या करेंगे महात्मा? हाँ, 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 क्योंकि करना तो खुदे को है ना, करना खुदे को है। महात्मा तो साधन बता सकते हैं, उपाय बता सकते हैं, शास्त्र और आचार तो रास्ता बतावेंगे, ऐसा करो अपने मन को ऐसा बनाओ, और नहीं बनाते तो क्या करेंगे महात्मा? कोई इस शहद की घुट्टी थोड़े है कि एक चम्मच में भरें और आपके दिमाग में डाल दें मुंह में कि लो तुम महात्मा हो, आज ब्रह्म ज्ञान की घुट्टी है, तुम विदेह मुक्त हो गए कि जीवन मुक्त हो गए। गोस्वामी जी ने बहुत सटीक शब्द में कहा, ममता रत सन ज्ञान कहानी, ये सब कहा, ऊसर बीज बये फल जथा, जैसे ऊसर में बंजर जमीन में बीज बो दो तो सब बेकार, ऐसे यह ज्ञान सबका सब बेकार हो जाता है जहां पर बहुत सारी ममता आदि बनी होती है। हाँ, तो जीव क्या, थोड़ी देर के लिए समझो, थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं कि चलो आपने मान लिया कि शरीर तो मेरा है, लेकिन ये पेड़ पौधे, ये सारे सूर्य चंद्रमा, ये सारी सृष्टि, इस पर मेरा बस थोड़े है, इस पर तो मेरा बस है ही नहीं। हम ध्यान तो करना चाहते हैं लेकिन ये दूसरे वाले हमारे ध्यान को आके डिस्टर्ब कर देते हैं, बताइए पता नहीं क्या है। जब हमको ध्यान करने का समय होगा, ध्यान करने बैठेंगे, उसी समय एक कौआ बोलेगा, लो अब कौआ पर क्या करे, कौआ तो कौआ है। हाँ, भागवत में कहानी आती है ना हिरण्यकश्यप वाली, वो गया था ध्यान करने और उस समय तोता बन के बोला था, नारायण सुना है ना। हाँ, तो अब ज़्यादातर आप परिवार में समझना, परिवारों में खास करके हमारे पास ऐसी बहुत सारे घटनाएँ हैं। आप सवेरे सवेरे जो पति है उसको ध्यान करना है, बिल्कुल पत्नी को बिल्कुल फूटी आँख पसंद नहीं है कि ध्यान वान करें, पता नहीं कहीं है जो है ज़्यादा महात्मा बन गए तो। ये घटना हमारे सामने आई थी 20 साल पहले, 10-15 साल पहले पूछ, तो बिल्कुल जैसे वो ध्यान करने बैठे और कपाल भाती प्राणायाम करके ओम करें, उसी समय बर्तन 2-4 खटके तोड़ दिया। याद आया बेची कि नहीं, किसकी बात है? आज तुम समझ बहुत जल्दी समझ जाते कितनी जो है। हाँ, उसी समय जो है बर्तन, अब फिर मेरे सामने सिखाया था ही, स्वामी जी खुद ध्यान करती नहीं और मेरे ध्यान के समय में बर्तन तोड़ेगी, बच्चों को 2-2 थप्पड़ लगा देगी, हाँ कुछ ना कुछ सारा का सारा। अब भैया ध्यान आप करना चाह रहे हो कि पत्नी करे, बच्चे करें, मोहल्ले वाले करें, अड़ोसी पड़ोसी करें? हाँ, आप बैठे हो ध्यान करने के लिए, न जाने क्यों जब मैं ध्यान करना बैठता हूँ तभी उसी समय ट्रक सायरन बजाता हुआ गुजरता है। हाँ यार, आप बताओ ट्रक पर ट्रक, हाँ आपके हमारे ध्यान में बाधा दे रहा है। हाँ, नहीं होता बाधा? हाँ, क्या बताओ, बताओ आज सवेरे हमको ध्यान करना था, उसी समय किसी ने आके घंटी बजाई, उठिए उठिए, क्या हुआ, क्यों? अरे ध्यान, अरे वो पड़ोसी मर गया, चलो कि अरे इसी समय उसको मरना था, हमारे ध्यान के टाइम उसको मरना था, बताओ। अब ये विशेष बात है कि सारे संसार की जो परिस्थितियां हैं वो मेरे बस में नहीं है ना,
इतस्तता ये सारा का सारा, ये घर, ये दुनिया, ये पक्ष पक्षी, ये लोग, इस पर तो मेरा बस नहीं है। तो हम ध्यान कैसे करें जो हम ध्यान करना चाह रहे हैं, चित्त वृत्ति का निरोध करना चाह रहे हैं, कैसे करें? बोले अगर भगवान कृपा करें, परमेश्वर कृपा करें ना, तो उनकी कृपा से, क्योंकि वो सारी सृष्टि के मालिक हैं, वो सारी सृष्टि के स्वामी। जैसे हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि शरीर का स्वामी मैं हूँ, इस घर का स्वामी मैं हूँ, तो भगवान सारी दुनिया के मालिक हैं। अगर वो चाहें तो हमारे ध्यान के समय, साधना के समय जो बाहर के विघ्न आते हैं उनको रोक सकते हैं, क्योंकि वो सारे जगत के स्वामी हैं। इसका नाम हुआ अंतराय अभावश्च। अंतराय माने विघ्न। हाँ, जो साधन के समय में हमारे सामने अंतराय यानी विघ्न आते हैं उनको ईश्वर अपनी अनुकंपा से अभाव कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, उनको मिटा देते हैं। इस प्रकार से भगवान के, अभी भगवान की करुणा है, जो उनका ऐसा साधन करेगा उसको अपने स्वरूप का बोध कराते हैं भीतर, और बाहर से साधन में जो विघ्न आते हैं उनको उनको मिटा देते, क्योंकि वो सृष्टि के स्वामी, वो जगत के स्वामी। इसलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। हाँ, ये विघ्न कौन कौन से होते हैं? विघ्न कौन कौन से हमारी पूजा के समय में, जाप के समय में, ध्यान के समय में, सत्संग के समय में बड़े विघ्न होते हैं। हाँ, वो कौन कौन से होते हैं तो चलो गिन लो। 9 विघ्न होते हैं, 9 विघ्न हैं। ये सब जब आते हैं तो आपका साधन भजन छूट जाता है। हाँ, गिनाते हैं। व्याधिस्तायन, व्याधिस्तायन, संशय प्रमाद, संशय प्रमाद, आलस्य अविरति, आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्वानि, अनवस्थित्वानि, चित्त विक्षेपास, चित्त विक्षेपास, ते अंतरायाः, व्याधिस्तायन, व्याधिस्तायन, संशय प्रमाद, संशय प्रमाद, आलस्य अविरति, आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्वानि, अनवस्थित्वानि, चित्त विक्षेपास्, चित्त विक्षेपास, ते अंतरायाः, ते अंतरायाः। 9 पहले देखो, नाम गिन लो, नाम गिन लो। व्याधि, स्तायन, संशय 3, प्रमाद 4, आलस्य 5, अविरति 6, भ्रांति दर्शन 7, अलब्ध भूमिकत्व 8, अनवस्थित्व चित्त 9। ये 9 विघ्न हमारे जीवन में आते हैं। सबसे पहले समझो, सबसे पहला कौन सा है? व्याधि। हे राम, पहला यहां से शुरू किया, पहला सुख निरोगी काय। हाय हाय, यहां आगे वाला, दूजा सुख घर में हो माया। हाय हाय, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, आज के जमाने में संभव ही नहीं है। और चौथा सुख घर में हो कुलवंती नारी। अब ये सब लोग, पुराने लोग ऐसा बनाए थे, ऐसा बनाए थे, लेकिन वास्तव में तो बस ये है कि आपका चित्त अगर स्वयं पर प्रसाद करे, आपका मन सुखी हो तो सब सुखी। ये भी सुनाया ना, मन के हारे हार है, मन के जीते। आपका अगर मन सुखी है तो सब सुखी, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। हाँ, नहीं तो हाँ, अब हो भगवान राम जैसा आज्ञाकारी पुत्र, उनसे बड़ा तो और कोई इस दुनिया में आपको मिलने वाला है ही नहीं, उससे बड़ा तो मिलने वाला है ही नहीं, है ना, इतना आज्ञाकारी। और उसके उपरांत दशरथ जी महाराज का जीवन, हाँ, पहले बेटे नहीं थे तो दुखी,
बेटा हो गए महात्मा मान ले गए तो दुखी, वनवास जाना पड़ा तो दुखी, और दुखे दुख में वो मर गए। अब इतना आज्ञाकारी तो थे, इतना आज्ञाकारी तो थे, और एक नहीं अनेकानेक दृष्टांत भरे पड़े हैं, अनेकानेक दृष्टांत भरे पड़े हैं। चलिए जी आगे। तो पहला सुख कौन सा? बोले ये शरीर में बीमारी होती है तब फिर ध्यानवान में मन नहीं लगता, ये तो अपने आप समझ लेना। हाँ, अब कमर दर्द हो गए और कोई कहे बैठो ध्यान में पद्मासन लगा के दो घंटा, यहाँ कमर टूटी जा रही है आपको पद्मासन की पड़ी है। हाँ, तो हाँ, कमर टूटा जा रहा है बताओ, गर्दन में दर्द है, कमर में घुटना मरा टूटा जा रहा है, हो गया बहुत ध्यान भजन हो गया छोड़ो। हाँ, सब बीमारी हो तो इसीलिए जो कुछ है अभी कर लो, नहीं तो हमको अपनी भी याद आती है तीन घंटा यूँ बैठे रहते थे प्रवचन के टाइम, उसके अलावा सवेरे ध्यान का टाइम अलग, जब लोग मिलने आ गए बैठने तो वो टाइम अलग, सब जोड़ लो तो दिन भर बैठे रहना होता था। तीन घंटे सवेरे भागवत, तीन घंटा शाम को भागवत, और कभी कभी साढ़े तीन चार घंटा भी हो जाता था, याद है ना पीसी गुप्ता के यहाँ, फिर दिवाकर वगैरह ने कराया था, फिर मेरठ में कई बार हमने दोनों टाइम भागवत लिया, तीन तीन चार, और ऐसे वो भी जमाना था। अब तो महाराज बस भगवान ही भला करें, तो इसलिए जो है आप लोगों का गोल्डन पीरियड है, समझ लो, पढ़ पिढ़ा लो कुछ, नहीं तो तुम्हारा जीवन चाहे बनाओ चाहे बिगाड़ो। हम लोग महात्मा लोग ठेकेदार नहीं हैं, रास्ता बताते हैं, उपाय बताते हैं, करोगे आपका भला होगा, ऐसी चित्तवृत्ति बना लोगे आपका कल्याण होगा, नहीं ऐसी चित्तवृत्ति बनाओगे मन नहीं बनाओगे तो महात्मा जी का कोई नुकसान भी नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमारा तो जो होना था हानि लाभ सब हो गया, अब कुछ है ही नहीं। व्याधि, व्याधि पहला बाधक है, ये विघ्न है साधना में। दूसरा है स्थायन, अस्थायन माने शिथिलता, अस्थायन माने शिथिलता, अकर्मण्यता। अब साधना करने में उतना मन ही नहीं लगता, लो करने नहीं चाहता, पता है कि जाप करना चाहिए, अरे ये तो महात्माओं का काम ही बोलते रहना, पता है कि संध्या वंदन करना चाहिए, पता है कि ब्रह्मचारी को संध्या वंदन गायत्री जाप करना चाहिए, है ना कि नहीं? पता है कि विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को जो यज्ञोपवीत पहनता है, शिखा सूत्र धारण करता है, उसको यह संध्या वंदन और गायत्री जाप उसके लिए अनिवार्य है, पता है, और फिर भी उसमें कर्म करने में चित्त नहीं लगता, ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। अस्थायन माने जानते हुए भी उसको करने में दिल ना लगे। हे राम, इस्तायन माने जो है अकर्मण्यता, साधन में अरुचि, साधन करने में अरुचि, आगे प्रमाद भी आएगा, आलस्य भी है तो वहाँ पर भी इस, हाँ साधन में अरुचि, ये दृष्टांत ऐसे नहीं जमेगा, दृष्टांत को ऐसा जमाओ ना, किसी को डॉक्टर ने कहा कि तुमको साबूदाना कद्दू की सब्जी खाना है, डॉक्टर ने कहा तो उस समय तो उसके लिए तो हितकारी है क्योंकि वैद्य ने कहा है, और उस समय सामने कद्दू की सब्जी हो फिर भी उसको खाने का मन ना करे तो क्या हो गया? अब स्थायन होगा। हाँ, क्यों अरुचि हो रही? कि वैद्य ने बताया है वो हमारे लिए फायदेमंद है और फिर भी हम उसको उपलब्ध भी है और फिर भी ना खाओ तो स्थायन हो गया। स्थायन ज़्यादा समझ लेना, अब ज़्यादा मैं नहीं खोलता हूँ। तीसरा है, अब गिनाना है ना, तीसरा है संशय। अब इसके बारे में तो बहुत कुछ सुन चुके हो, क्या बताऊं? संशय माने संशयात्मा से तुरंत वही याद आ जाएगा ना, संशय शब्द से वही याद आएगा ना, संशयात्मा नश्यति। संशय का एक पूरा जो है, जो परिणाम है संशय का ना,
संशय का दो परिणाम होता है, एक तो जो हमारा मुख्य साधन है उसमें अरुचि पैदा कर देता है एक, और दूसरा चित्त को हमारे विक्षिप्त कर देता है। ये संशय का दो परिणाम होता है। जैसे अब दृष्टांत में आप सती जी को ले आओ, सती जी के मन में संशय हुआ तो सत्संग में हो गई अरुचि, सुना रहे थे कौन, अगस्त ऋषि, संशय में हो गई, सत्संग में हो गई अरुचि, साधन में हो गई अरुचि, और चित्त हो गया विक्षिप्त। ये दो परिणाम होगा, दो परिणाम, संशय जब भी आएगा किसी भी संशय में। तो यहाँ पर संशय खास करके इस प्रसंग में है कि अपनी सामर्थ्य के बारे में संशय आता है यहाँ पे, यह योग हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अभ्यास वैराग्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत बड़ा संशय, ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कौन ध्यान कर पाऊंगा। फिर फल के बारे में संशय आता है, अरे पता नहीं कुछ फल मिलेगा भी कि ही नहीं मिलेगा, ये संशय होता है। और ये संशय जब आ जाता है, और कभी कभी ये संशय बाह्य जगत से आ जाता है, बाह्य जगत से। एक दिन संभवतः हमने वो बकरी और पंडित जी की कहानी सुनाई थी, सबने सुनी कि नहीं, चार ठग लोगों ने एक पंडित जी की बकरी को कुत्ता कह कह करके छीन लिया, याद है ना। तो संशय डाला, किसने डाला संशय, बाहर के लोगों ने डाला, बाह्य जगत से संशय आया चित्त में, और चित्त में ऐसा संशय आया कि जो सामने बिल्कुल आंखों के सामने स्पष्ट है वो भी हमको खराब दिखने लगा, सामने दिखने में बकरी है। हाँ, नहीं सुना था तुम लोगों ने कहानी, नहीं सुनी थी। अरे एक कोई पुजारी जी थे, किसी के यहाँ पूजा कराने गए, उसके यहाँ रुपया उपया नहीं था, उसने कहा क्या दूँ, यजमान ने कहा ये बकरी का बच्चा ले लो, एक बकरी का बच्चा लेकर के चल पड़े पंडित जी, बढ़िया यही एक दो मिल जाए दक्षिणा में, भागे भूत लंगोटी सही। रास्ते में चार पांच ठग लोग खड़े थे, गप लगा रहे थे, उनमें से सबने कहा ये 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 बकरी मिल जावे बकरा ना तो आज का हमारा भंडारा हो जावेगा, लेकिन ये पंडित देवेगा कैसे, तो सबने तय कर लिया, वो सारे को सारे ठग आगे पीछे चले गए। एक ठग बिल्कुल सामने खड़ा रहा, उसने कहा पंडित जी पाय लगी, कहा होगा आज तो आपको फिर से नहाना पड़ेगा। पूछा क्यों, बोले कुत्ता जो कंधे में बिठाए हो। अब उन्होंने उतार के देखा कुत्ता थोड़े है, तेरी नजर खराब है, बकरी है, यजमान ने दिया है। अब दूसरे आगे गए, दूसरा ठग ने भी यही कहा, महाराज कुत्ता ले के कहाँ जा रहे हो। हाँ, तीसरी चौथी बार जब यही बार बार चार पांच लोगों ने कहा तो अंत में उनको लगा दुनिया झूठ थोड़े बोलती है, हमारा ही दिमाग खराब है, हमारी नजर का दोष है, ये कुत्ता ही होगा। आखिरी में वो ठग ने कहा महाराज कुत्ता, बोले ले तू ले। हाँ बताओ, ठग लोग सुना सुना के संशय पड़ता है, हाँ सुन सुन के संशय पड़ता है। हाँ, संशय सर्प ग्रसेव उर्गारी, ये बहुत ये साधना के लिए तो बहुत ज़्यादा ये विघ्न क्या कहो, ये तो पूरी तरह से सत्यानाश करने के लिए हो गया ना, इसीलिए भगवान ने कह दिया संशय आत्मा विनश्यति, विनश्यति माने उसके उद्धार का उपाय ही नहीं, तो वो तो गया चारों खाने चित्त। हाँ, किस पर संशय किया, हाँ बोले बताओ, कभी कभी भगवान पर संशय कर ले हुए। हाँ, भगवान कृष्ण तो उद्धार करने के लिए आए हैं, और शकुनी, हाँ वो तो विराट सभा में अपने विराट स्वरूप को दिखा रहे हैं पूरी सभा में, और वो कहते हैं बताओ ये जादूगर है। हाँ, भगवान पर भी संशय करते हैं, आचार्य पर संशय हो जाता है, हाँ अपने बेटे पर संशय हो जाता है, लगता है मेरा सब छीन नहीं चाह रहे हैं। हाँ, अब ये संशय तो क्या कहूँ, हमारे जानकारी में एक कैसे ये बड़े बहुत बड़े प्रसिद्ध राजा, और उनके मन में संशय घुस गया कि बस कोई तुमको खाने में जहर देना चाह रहा है। हाँ, अभी जिंदा है मैं जानता हूँ, और नाम आप लोग भी बहुत लोग जानते हो। हाँ, लेकिन उनके मन में संशय घुस गया आज के 35-40 साल पहले उस जमाने के। हाँ, और उसके बाद फिर जब वो जीप से चलते करते 8-9 जीपें 50 बंदूक वाले उनके साथ में आगे पीछे जब चले, तो कहीं पर प्यास लगे तो हैंड पंप से खुदा ही पानी भरें तो पिए, क्यों
जो भी पानी लेके आवे पता नहीं वो पानी में जहर ना ला देवे। फिर उनके साथ में खाना बनाने के लिए सारा सामान चलता था, जहाँ रुके वहाँ वो ईंट रख के चूल्हा पर बटलोई रख के खुद बनावें तो खावें, क्यों खाने में कोई जहर मिला देगा, संशय आ गया, जीवन नरक हो गया। अभी एक बड़ी घटना, हाँ वो कहाँ उत्तर कोरिया से एक आदमी आया कहाँ, तो उसका अपना टॉयलेट भी गया साथ में। हाँ कार तो गई तो ठीक है, टॉयलेट गया उसका साथ में। और उसके साथ एक आदमी खास करके इसलिए था कि वो सिगरेट पीता रहता है दिन, जब सिगरेट पीता है तो सिगरेट का जो राख गिरती है उसको भी उठा करके रख लेता, हाँ क्योंकि उसका DNA ना टेस्ट हो जावे। बताओ संशय आत्मा क्या क्या जिंदगी है, क्या नरक। हमारा संशय बहुत बड़ा एक बाधक है आपकी चित्त वृत्ति को विक्षिप्त करने के लिए, अशांत करने के लिए। हाँ ए अगर भगवान अगर ये समझो कि किसी के जीवन का सत्यानाश करना हो तो उसके मन में संशय डाल दो बस, हाँ उसका जीवन अपने आप ही सत्यानाश हो जाएगा। हाँ तुम्हारी पत्नी ऐसी, तुम्हारा बेटा ऐसा, तुम्हारा भाई ऐसा, तुमको पता है तुम्हारे पिताजी सब उसको दे रहे थे, हमने देखा था एक दिन बात कर रहे थे वो दोनों, वो तुम्हारा जो भाई है वो तुम्हारे पिताजी को चुपके से लेके कचहरी में घूम रहा था। पक्का समझना घर हो गया महाभारत, अब बाहर आप आराम से घूमो और देखो वहाँ भाई दोनों लड़े हो गया। संशय आत्मा नश्यति, मन में एक संशय का कीड़ा पड़ता है जीवन नष्ट हो जाता, साधना भजन तो दूर हो जाता है। तो हाँ ये तीन दोष हो गया, व्याधि स्थायन और संशय, इससे बचो। अब भाई अब 6 और रह गए, अब कल सुनेंगे, सवाज नहीं पढ़ना है, ये जीवन के मूल चीज़ें हैं ना, जीवन की हमारी पूंजी विश्वास है, हमारी पूंजी श्रद्धा है, हमारी पूंजी विश्वास है, वो हम नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छूटता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि।